हेलो गाइस, आशा है आप सभी ठीक होंगे। मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो कृपया करके उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, रैशनल नंबर्स की, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए बेटा, अब तक आपने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, चाहे वो आपकी कम्यूटेटिव थी, क्लोजर थी या फिर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, उन सब में आप क्या कर रहे थे? एडिशन भी कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन भी कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, अलग अलग ऑपरेशन आपके हो रहे थे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। यानी यहां पर आपके दो केस बनेंगे बेटा, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और दूसरा केस आपका बनेगा ए इंटू बी माइनस सी ए बी माइनस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, जो हमने ए कंसीडर किया है, एक नंबर आपके पास बी है और एक नंबर आपके पास सी है, चाहे आप उन दोनों को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई करो या फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ए और सी को मल्टीप्लाई करो और फिर उन दोनों को ऐड करो, इस केस में जो LHS और RHS है बेटा, वो हमेशा आपका सेम रहेगा। तो ये कहलाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और यहां क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है आपकी मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देखिए बेटा। पहले हम ये वाला केस लेते हैं, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए बी सी आपकी मर्जी है बेटा, कोई भी नंबर, रैशनल नंबर आप ले सकते हो। सपोज ए हमने लिया 1/2, बी हमने लिया 3/2 और सी हमने ले लिया 5/2। ए बी और सी की जगह हम वो वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ए की जगह 1/2, बी की जगह 3/2 और सी की जगह 5/2 इक्वल टू ए की जगह 1/2 इंटू, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ए इंटू बी है ये, 1/2 इंटू 3/2 प्लस ए की वैल्यू फिर से 1/2 इंटू सी की वैल्यू 5/2। LHS को आपको सोल्व करना है, RHS को आपको सोल्व करना है। ब्रैकेट है तो पहले अंदर वाली चीजें आप सोल्व करेंगे, 2 LCM आएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, यहां पे भी ऐसे ही ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। अब देखिए बेटा, फिर से ब्रैकेट है, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है तो पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे, 5 प्लस 3 आपका 8/2 आ जाएगा इक्वल टू, पहले एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 LCM आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 5 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी इस पूरे को सोल्व करके आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया। इसको सोल्व करोगे 5 प्लस 3 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, यानी 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS आपका आ गया। मींस आप चाहे इसको सोल्व करके इसके अंदर ऑपरेशन लगाएं या फिर पहले इनको सोल्व करो और फिर एडिशन करिए, दोनों ही केस में जो आपका आंसर होगा वो सेम आएगा। ये था आपका मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी ये वाला केस हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही दूसरा केस है आपका मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी जहां प्लस है बेटा वहां पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो यहां प्लस है, यहां भी माइनस हो जाएगा और यहां भी माइनस हो जाएगा। इसके लिए बेटा यहां ब्रैकेट लगा देंगे हम माइनस के केस में, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। यहां माइनस आ जाएगा, यहां करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा। क्लियर है? इसको सोल्व करेंगे तो बेटा यहां देखिए माइनस आ जाएगा, क्योंकि बड़ा कौन है 5, और 5 के आगे माइनस है तो यहां माइनस रहेगा, लेकिन ये कैलकुलेशन सारी की सारी चेंज हो जाएगी आपकी, इसलिए इसको हम दोबारा से करते हैं। ये 1/2 एज इट इज रहेगा, इसको सोल्व करेंगे तो -2/2 हो जाएगा बेटा, ये इक्वल टू 3/4 -5/4। क्लियर है? उसके बाद आप देखोगे बेटा ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस है तो यहां -1/2 बच जाएगा। अगर इधर सोल्व करोगे आप इसको, सोल्व करोगे 5 -3, इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, -1/2 इक्वल टू -2/4, 2 1 जा 2 2 जा, -1/2 इक्वल टू -1/2। यहां पे भी आपने देखा बेटा LHS इज इक्वल टू RHS, यानी मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के अंदर भी आप देखोगे, चाहे पहले इसको सोल्व करके इसके साथ ऑपरेशन लगाए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर आप a इंटू बी और a इंटू सी करके उन दोनों को माइनस करें, आपका आंसर सेम आएगा। ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर ये दो ही पार्ट है बेटा, इसके अंदर आपको अलग से एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करना है। क्लियर है यहां तक? चलिए करते हैं बेटा हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा? देखो, आप चाहे किसी भी नंबर के अंदर जीरो ऐड करिए या जीरो के अंदर किसी भी नंबर को ऐड करिए, यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर। मींस अगर आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज वो नंबर आपका ए है, चाहे ए के अंदर आप जीरो को ऐड करो या फिर जीरो के अंदर आप किसी भी नंबर को ऐड करो, तो आपको क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। क्लियर है? चाहे ए के अंदर जीरो को ऐड करो, चाहे जीरो के अंदर उस नंबर को ऐड करो, नंबर सेम रहेगा आपका, जो जिस नंबर को भी आपने ऐड किया है। तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी आपसे आपको सिंपल सा क्या पता चलता है कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करोगे या फिर नंबर में किसी को आप जीरो ऐड करोगे, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। क्लियर है? यहां से ही एक टॉपिक बनता है आपका एडिटिव इनवर्स। देखिए बेटा, इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो चाहे 5+0 करो आप तो ये 5 आया, चाहे 0+5 करो तो ये भी 5 आया। यानी 5+0 का मतलब क्या हो गया, a+0, 0+5 का मतलब क्या हो गया, 0+a। दोनों ही केस में क्या हुआ, आपको 5 मिला, जो कि किसके इक्वल है, a के इक्वल है। क्लियर है?
यानी a प्लस जीरो करो या जीरो प्लस a करो तो आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। तो जीरो को क्या कहा गया है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी। आपसे कभी भी सिंपल पूछ लिया जाए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो जीरो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। यहां से ही बना आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है बेटा, कि कोई भी नंबर आपके पास है उसके अंदर आप क्या ऐड करो कि रिजल्ट आपका क्या आ जाए, जीरो आ जाए। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है बेटा, कि आपके पास कोई भी एक नंबर है तो उसके अंदर आप एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो जीरो आ जाए। तो वो जो नंबर आप ऐड करोगे वही क्या कहलाएगा आपका, एडिटिव इनवर्स। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये जीरो कब बन सकता है, जब इसी नंबर का आप नेगेटिव इसमें ऐड कर दोगे। कोई भी नंबर है अगर उस नंबर के नेगेटिव को ही उसके साथ ऐड कर दिया जाए तो आपको जीरो मिलेगा। तो ये जो नंबर होगा ये क्या कहलाएगा आपका, एडिटिव इनवर्स। क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल देखिए बेटा, सपोज आपसे पूछा एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखिए बेटा करना क्या है आपको, 5 का एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा, इसके अंदर आपको एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि ये जीरो आ जाए। यही बताया था ना एडिटिव इनवर्स में, कि उस नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करो कि क्या आ जाए आपके पास, जीरो आ जाए। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस 5 करना पड़ेगा। यानी जो भी आपके पास नंबर है उसका ओपोजिट ही क्या होगा आपका, एडिटिव इनवर्स। सपोज यहां 5 था तो ये माइनस 5 क्या है आपका, एडिटिव इनवर्स। एक एग्जांपल लेते हैं हम माइनस का, आपको बोल दिया माइनस 3 का एडिटिव इनवर्स, तो माइनस 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस 3 में क्या ऐड करोगे कि जीरो आ जाए। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो भी नंबर है उसका ओपोजिट, यहां प्लस था तो आपने माइनस में लिख दिया तो वो उसका एडिटिव इनवर्स है, यहां माइनस है आपने उसका ओपोजिट प्लस में कर दिया तो ये प्लस वाला क्या है आपका, एडिटिव इनवर्स है। क्लियर है, एडिटिव इनवर्स ज्यादा मुश्किल नहीं है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है एडिटिव इनवर्स है, इसी तरीके से आपका एक टॉपिक है छोटा सा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट करते हैं बेटा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है बेटा, कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा, वही ओरिजिनल नंबर आएगा। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में हम क्या कर रहे थे, किसी भी नंबर में 0 ऐड कर रहे थे, क्योंकि 0 क्या थी आपकी, मल्टीप्लीकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से हम यहां मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, चाहे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 के अंदर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, वही नंबर आएगा। क्लियर है, यानी यहां पर ये जो 1 है बेटा ये क्या है आपका, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, 3 × 1 = 3 या फिर 1 × 3 = 3। अगर इसको देखते हैं तो ये बन गया आपका a × 1
ए क्या है आपका, 3 है, तो आपको क्या मिला, 3 मिला। अगर इसकी बात करें तो ये आपका है 1 into A, दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है बेटा, 3 मिल रहा है, और ये 3 किसके इक्वल है आपका, A के इक्वल है। यानी चाहे A इंटू 1 करो चाहे 1 into A करो, आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा, यानी वो नंबर मिलेगा जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस A को क्या बोला गया है बेटा, सॉरी, तो ये जो आपका 1 है इसको क्या बोला गया है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोला गया है इसे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी नंबर को 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, इसलिए 1 को क्या बोला गया है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यहीं से नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या कहता है बेटा, कि आपके पास कोई भी नंबर है उसको आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स में हमने देखा था कि एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 होती थी तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 हो गई। एडिटिव इनवर्स में क्या हो रहा था बेटा, कि किसी भी नंबर को जब ऐड कर रहे थे दूसरे नंबर से तो आंसर आपका 0 आना चाहिए था। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या कहता है, कि जब किसी भी नंबर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब आप ओरिजिनल नंबर का रेसिप्रोकल कर दोगे। जब आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये जो रेसिप्रोकल नंबर है ये आपका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या कहलाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एग्जांपल देखिए बेटा, सपोज मैंने ले लिया 3, अब इस 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, क्या बताया था मैंने, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा, 1 के इक्वल आ गया। यानी जो भी आपका नंबर है अगर आप उसका रेसिप्रोकल करके उस ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और ये जो नंबर रेसिप्रोकल किए करके लिखा है आपने, ये आपका कहलाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अगर रैशनल नंबर की फॉर्म में अगर हम इन्हें लिखना चाहें तो इसे हम 3/5 लिख सकते हैं बेटा। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज हमने नंबर ले लिया 3/5, अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके रेसिप्रोकल से, यानी 5/3 से, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये 5/3 क्या है आपका, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या है आपका, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आई थिंक, उम्मीद करता हूं बेटा कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको समझ आ गया होगा। देखो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स में कंफ्यूज होते हैं। एडिटिव वर्ड आ गया मतलब वहां प्लस हो रहा है, उस केस में आपका 0 रहेगा एडिटिव आइडेंटिटी, और जब आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो सिर्फ साइन चेंज करना है। वही बात करें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपको 1 को याद रखना है,
तो वन जो होगा आपकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जब आपको निकालना है तो मल्टीप्लीकेटिव के केस में आपको रेसिप्रोकल करना है जो भी आपको नंबर दिया गया है। उम्मीद है आपको सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।